नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 14 मई 2020, और यहां पर 15 मई 2020 के लिए निफ्टी के आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है, आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों सबसे पहले आईसीएल टेक, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आईसीएल टेक, जब तक 535 के ऊपर ये क्लोज ना कर दे तब तक एससीएल टेक में कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बना सकते हैं दोस्तों, जैसा कि बार बार मैं रिपीट करता आ रहा हूँ। नीचे की साइड में आप देखेंगे तो 500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर 500 ब्रेक कर देता है तो ये फिर 475 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है एससीएल टेक। हेक्सावेयर देखिए अभी ऊपर की साइड में, तो अगला स्टॉक है दोस्तों हेक्सावेयर। हेक्सावेयर में दोस्तों अभी पोजीशन बनाने का जगह नहीं है, पोजीशन हम लोग 270 के ऊपर बनाएंगे। अगर 270 के ऊपर ब्रेक करता है तो 280 से लेकर 300 तक का टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। अगर ये 235 के नीचे निकलता है तो 210 के टारगेट के लिए सेल का पोजिशन बनेगा। इन्फीबीम काफी अच्छा हाई लगा है, लेकिन अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है जब तक ये 55 के ऊपर क्लोज ना करे। 55 के ऊपर एक बार क्लोज करेगा तो 56 से 58 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा इन्फीबीम। इंफोसिस अभी तक यही लाइन इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लाइन बना हुआ है, अभी देखिए नीचे से भी एक से एक सपोर्ट बना लिया, हालांकि अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी इसके बाद रेजिस्टेंस का लाइन है 680 का, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा पोजिशन है बनेगा इसके ऊपर वो 710 के ऊपर बनेगा, 710 से 700 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 700 के, लेकिन 700 को जब ब्रेक करके क्लोज करेगा ऊपर की साइड में तभी हम लोग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज अभी होल्ड करके चलेंगे, नजर रख के चलेंगे। ओएफएसएस ऊपर की तरफ 2600 को ब्रेक करेगा तो 2700 का टारगेट, 27 और नीचे 2500 को ब्रेक करेगा तो 2400 का टारगेट देगा। टाटा इलक्सी देखिए, टाटा इलक्सी बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, टाटा इलक्सी ऊपर से भी और नीचे से भी 850 का इंपॉर्टेंट रेंज है, 860 भी ले सकते हैं आप, और नीचे की तरफ 740 का एक रेंज है। अगर 740 को ब्रेक करेगा तो 660 तक 680 तक आ सकता है, ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करेगा 860 को तो फिर ये 900 तक के टारगेट दे सकता है। माइंडट्री दोस्तों अपने 200 डीएमए को आज देखिए क्लेम किया, उसके नीचे क्लोज किया था, वीक हो चुका है। कल अगर ये ब्रेक करता है 830 के नीचे तो एक बार ये 800 तक के भी लेवल आपको माइंडट्री दिखा सकता है। विप्रो मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए विप्रो पे, अभी भी हमारा स्टॉप लॉस वैलिड है, कटा नहीं है, 180 का स्टॉप लॉस है तो 180 का भी हिट हुआ नहीं, प्रॉपर बना हुआ है हमारा स्टॉप लॉस। अगर ऊपर की साइड में एक बार वापस 190 के ऊपर क्लोज करे 194 और 200 तक के टारगेट दिखाएगा। टेक महिंद्रा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना के घूम रहा है टेक महिंद्रा, नीचे की साइड में अगर ये 490 को काटता है तभी वीक होगा, अदरवाइज अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर 550 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 580 तक के टारगेट दे सकता है। TCS नो ट्रेडिंग जोन में TCS नीचे की तरफ में जो ये सपोर्ट बनाया, बस इसको ये होल्ड अगर रखे तो अच्छी बात है, अगर होल्ड नहीं रख पाता है तो वीक हो जाएगा ये स्टॉक्स। नीचे की साइड में अगर ये 1880 को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में चला जाएगा 1820 तक। NIT टेक ऊपर की तरफ अब ब्रेकआउट हमें मिलेगा 1500 के ऊपर, 1500 के ऊपर अगर निकलेगा तो 1600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं NIT टेक में। नीचे की साइड में एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास हो सकता है स्टॉक आने की कोशिश करे जो कि 1275 का है, अगर कल ये ब्रेक करता है 1320 को नीचे की साइड में तो 1275 तक भी आ सकता है। जस्ट डायल धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है दोस्तों, मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये ब्रेकआउट हमें मिलेगा 400 के ऊपर, 400 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बार ये हमें 430 तक के टारगेट दिखा सकता है। बिरला सॉफ्ट 78 के ऊपर निकलेगा तभी 84 का टारगेट मिलेगा, अदरवाइज अभी स्टेन लाइन का इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो जब तक इसके ऊपर बना हुआ है आप भी बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। 78 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 84 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी आईटी का मेरा अपना व्यू निफ्टी आईटी के स्टॉक्स पे। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।